नमस्कार मित्रों, मैं कुंदन और आपके अपने चैनल कुंदन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज है 10 मार्च और होली भी है, होली को अच्छे से मनाइएगा। तो 10 मार्च से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन, क्योंकि होली भी खेलना है अच्छे से। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आप साफ मन से और अच्छे रंग से मनाएं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, चापचर कूट उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मिजोरम राज्य में मनाया गया चापचर कूट उत्सव। 6 मार्च 2020 को मिजोरम राज्य में चापचर कूट उत्सव मनाया गया। इस त्यौहार को राज्य के लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय बसंत त्यौहार भी माना जाता है। सभी को अच्छी भावना में रखने के लिए इस त्यौहार पर मिजोरम के लोग बहुत सारे नृत्य और संगीत करते हैं। राज्य में इस त्यौहार पर सार्वजनिक अवकाश होता है। हालांकि यह त्यौहार 6 मार्च को मनाया गया था, लेकिन उत्सव 5 दिन पहले शुरू हुआ था, जो कि 5 मार्च 2020 को हसम राइफल्स ग्राउंड में आइजॉल में आयोजित किया गया था। आर लाल जिरलियाना राज्य कला और संस्कृति मंत्री ने सभी लोगों को त्यौहार के दौरान आयोजित किए जा रहे आकर्षक और मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वागत किया। इस पर्व की शुरुआत आइजॉल में आयोजित एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई, जिसमें मिजो लोग द्वारा पारंपरिक नृत्य चेरो, इनका पारंपरिक नृत्य है चेरो, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, के साथ साथ अन्य नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। राज्य भर में लगभग इसी तरह के उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके कमलनाथ जी। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में राम वन गमन पथ निर्माण हेतु ट्रस्ट के गठन को मंजूरी मिल गई है। यह मार्ग चित्रकूट से अमरकंटक तक बनेगा, जहां भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास काल में पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन किया था। आधिकारिक सूचना के अनुसार ट्रस्ट के पदेन सचिव प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। ट्रस्ट में अन्य सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में इनमें से कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत शामिल हुआ है, अपना देश भारत शामिल हुआ है। हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरी अभिशासन की दिशा में कार्य करता है, और यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है। वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन फ्रांस के नियंत्रण में जुड़ते हैं और सेशल्स शामिल हैं। भारत के अतिरिक्त इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक हैं, चीन, यूरोपीय यूनियन, माल्टा तथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांसोफोनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महिला टीम के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप T20 फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की बनी है। शेफाली वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला T20 विश्व कप के फाइनल में उतरते यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट सकाना क्विंटाइन ऐसा करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी थी। पुरुषों की बात करें तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने साल 2009 में T20 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ 17 साल और 69 दिन की उम्र में फाइनल खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? 20 महिलाओं को पुरस्कृत किया। केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण में महिलाओं को अथक सेवा को पहचान देने हेतु हर साल नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करती है। साल 2019 के विजेताओं में कृषि, खेल, हस्तकला, वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, सशस्त्र बलों तथा शिक्षा से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक साल नई दिल्ली में 8 मार्च को प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोदी जी के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पेज कुछ उन महिलाओं को हैंडल करने के लिए उस दिन दिया गया था जो कुछ अच्छे कार्य जैसे कि कृषि, खेल, हस्तकला, वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण में काम किया था, जिसमें से एक थी राजस्थान की विजया पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बेंगलुरु इंडिया नैनो 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया?
ग्यारहवां संस्करण आयोजित किया गया। बेंगलुरु इंडियन एनो 2020 का आयोजन 2 मार्च और 3 मार्च को किया गया था और ट्यूटोरियल का आयोजन 4 मार्च को ललित अशोक बेंगलुरु में आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम कर्नाटक के आईटी विभाग बिट्टी और SNP द्वारा विजन ग्रुप के सहयोग से आयोजित किया गया था। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मिट्टी नहीं बिट्टी है, गलत टाइपिंग हो गया कंप्यूटर वाले से। SNP द्वारा के सहयोग से किया गया था। वर्ष 2020 के लिए उद्योग 4.0 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए आयाम हैं। अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास कौशल आवश्यकता संस्थागत सम्मिलित जोखिम मुद्दे विनियामक और शासन संरचना निवेश और सहयोग के अनुसंधान एवं विकास शिक्षा उद्योग के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आयोजन का जोर नैनो स्टार्टअप्स था। कार्यक्रम हर साल 2007 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारतीय रेलवे की कौन सी प्रतिष्ठित ट्रेन अंत में प्रमुख सुविधा के लिए तैयार है? तो रॉयल तो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस तैयार हुआ है। भारतीय रेलवे की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों में से आखिरकार एक प्रमुख फेसलिफ्ट के लिए तैयार है। मुंबई और पुणे के दो शहरों के बीच चलने वाली 90 साल पुरानी ट्रेन नंबर 1223 और 1224 डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, जो वर्तमान में ICF कोच के ऊपर चलती है, जिसमें लाल और नीले रंग के सफ़ेद रंग की एक अनोखी लिपि जर्मन डिजाइन की हाफ मैन बस कोच में अपग्रेड की जाएगी। LHB कोच को अपग्रेड अंश के साथ ट्रेन में बेहतर सुरक्षा सुविधाएं, बेहतर यात्रा अनुभव, सस्पेंशन सिस्टम और बेहतर राइडिंग कंफर्ट होगा। सेंट्रल रोल रेलवे जोन जो इस ट्रेन का संचालन करता है, पसंदीदा बाहरी डिजाइन पर ग्राहकों की राय मांगी है और इसके लिए एक नए लोगों का प्रस्ताव मध्य रेलवे के द्वारा उनके साथ 8 अलग अलग डिजाइन की प्रस्तावित किया गया है, जिसमें यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध मुंबई और CST स्टेशन की एक छवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रज्ञान कानकलो 2020 के पहले सत्र का विषय क्या था? तो ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैटल स्पेसेस। प्रज्ञान कानकलो 2020 का आयोजन 4 मार्च और 5 मार्च 2020 को किया गया। कानकलो 2 दिन के लिए गहन विचार विमर्श और भविष्य के युद्ध विश्लेषण के लिए होनहार नोट पर संपन्न हुआ। कानकलो की शुरुआत देखिए फिर मिस है अंकल लिख दिया है। कानकलो की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी द्वारा दिए गए विशेष संबोधन से हुई। बाद में 2 पैनल चर्चा हुई। पहला सत्र ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैटल स्पेसेस इस विषय पर आयोजित किया गया था। पैनलवादियों ने 21वीं शताब्दी के युद्धपोत के बदलते रूप पर ध्यान दिया, जिसमें विशेष रूप से गोलाबारी और अन्य बल गुणांकों के नियतार्थ हैं। दूसरा सत्र हाइब्रिड सब कन्वेंशनल वारफेयर था। इस सत्र में वक्ताओं ने समकालीन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि ग्रे जोन के वातावरण में संचालन, शहरी युद्ध और गैर राजनीतिक अभिनेताओं के साथ साथ प्रौद्योगिकी और सामाजिक मीडिया में इनकी सामंजस्य का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 1 अप्रैल 2020 से पंजाब नेशनल बैंक में किन 2 बैंकों का विलय होगा? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय होगा। किस राज्य ने उच्च शिक्षा के लिए ऋण की गारंटी देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान घोषणा की कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के लिए उचित गारंटी प्रदान करेगा। इसे छात्रों को बैंक द्वारा आवश्यक अनुप्रासंगिक गारंटी बिना ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लिए कल्याण के लिए एक विदेशी सहयोग विकसित किया है। तो दोस्तों आज से हम लोग के करंट अफेयर्स कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।